आ गया स्टार्ट। यस, नमस्कार, स्वागत है एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है सिनर्जी टॉक। और इस पहले एपिसोड में हमारी मेहमान है द अबंडेंस कोच, लाइफ कोच और आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने वाले कोच, मिस लीना चंदन जी। स्वागत है मैम आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सिनर्जी टॉक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी योर पुरुषोत्तम जी, बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू टॉकिंग विद यू। मैम, सबसे पहले तो मैम अपने बारे में बताइए हमें और किस तरह से आपने इस फील्ड को चूज किया और आप किस तरह से लोगों को की मदद कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता पाएं। बिल्कुल, अभी बहुत सारे जैसे शिफ्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, बहुत सारे लोग जो हैं जो जॉब्स छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्टअप का तो काफी टाइम से, काफी सालों से ट्रेंड रहा है, पर अभी कुछ ज्यादा ही कोचिंग बिजनेस में और सब कुछ बहुत ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। तो मैंने अपना जर्नी 2.5 साल पहले शुरू किया था। मैं खुद भी एक एम्प्लॉय थी, मैं जेपी मॉर्गन में काम करती थी काफी सालों के लिए, और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू करी लाइफ कोचिंग से। और मैं बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं अपने आप से ही नेचुरली मैं बहुत उनके साथ में कनेक्ट करती थी और काफी हेल्पफुल थी। तो जब मैंने अपनी जर्नी और पर्पस से कनेक्ट किया तो उस हिसाब से मुझे लाइफ कोचिंग का ही जर्नी मिला। एंड दैट्स हाउ मैं बहुत सारे कोर्सेज कर लिए मैंने उसके बीच में। ये लास्ट 2.5 साल से मैं सिर्फ मतलब वो होता है ना कि शुरुआत जब होती है ना तब बहुत कुछ सीखना होता है हमें, और स्पेशली एक बहुत डिफरेंस होता है बड़ा वाला, जो एक एम्प्लॉई माइंडसेट होता है और एक बिजनेस माइंडसेट होता है, इन दोनों में काफी फर्क होता है। तो ये चीज सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में अपनी लाइफ में एक मुकाम पाने में, वो चीज में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, टाइम डालना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ऐसे लोगों के कम्युनिटीज में रहना पड़ता है जहाँ पे आप उसी स्पीड में आप ग्रो कर पाओ, जिस स्पीड में मतलब उन्हीं के साथ साथ ग्रो कर पाओ, बेसिकली सबके साथ रह के। तो बेसिकली उसी तरह जर्नी शुरू हुई। बेसिकली मैं दर्शकों को बता दूं कि मैम अबंडेंस कोच में काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है जिसमें आपको कैसे मनी को हमेशा के लिए बनाए रखना है अपने पास, अपने बिजनेस को किस तरह से सेटअप करना है और अपने गोल्स किस तरह से अचीव करना है। ये मैम अबंडेंस एक प्रोग्राम है मैम का, एपिटोम ऑफ ब्लिस। इसके और 6M क्लब्स चलाती है। तो पहले तो मैम एपिटोम ऑफ ब्लिस के बारे में बताइए और इसको कैसे आप ऑपरेट कर रहे हो। हाँ जी, तो बेसिकली मैं 1-to-1 कोचिंग से शुरू किया था मैंने अपना जर्नी, और अभी भी वो चल रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि 1-to-1 कोचिंग एक मेन फील्ड होती है जहाँ पे हम लोग सारी पर्सनल चीजें एक ग्रुप में या एक पब्लिक स्पेस में हम लोग शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें अगर एक ऐसा मेंटोर मिल गया जो सही गाइडेंस दे पाए तो हमें एक कंफर्ट लेवल बनना चाहिए ना उस चीज के लिए। तो उस हिसाब से मैंने 1-to-1 कोचिंग मैं कर रही हूँ अभी। तो वही उसी के रिलेटेड मैंने ये एपिटोम ऑफ ब्लिस वाला एक प्रोग्राम शुरू किया है, और ऐप भी है उसका एक। उसमें अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं काफी सारे वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, और आगे जाके मैं दूसरे लोगों को भी जरूर सर्व करना चाहूंगी इस फील्ड में। और मैं ओपरा विनफ्री से बहुत ही इंस्पायर्ड थी, और स्टीव हावी से स्टार्टिंग में, और ब्रेंडन बर्चार्ड करके एक हैं, तो ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह मेरे बहुत ही मुझे इंस्पायर करते हैं, और उसी हिसाब से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो बस यही है कि दूसरा जो आपने अबंडेंस के बारे में पूछा, तो सबसे लिमिटिंग बिलीफ हमारा यही होता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसे जो है वो हमें सेव करने चाहिए एक रेनी डे के लिए, यानी कि एक उस दिन के लिए जब हमें मुश्किल आएगी या कोई तकलीफ आएगी। तो ये एक मिथ है, ये एक भले ही ये क्रिएट किया होगा किसी, हमारे एंसेस्टर्स में से किसी ने क्रिएट किया होगा, पर जिन्होंने भी ये बोला है ये सही नहीं है, क्योंकि ये माइंडसेट ही गलत है।
ये बोलने से हमारा वो जो मुश्किल वाला दिन होता है ना वो क्रिएट होता है, क्योंकि हम बिल्कुल. जो बोलते हैं वही होता है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। यस. तो उस हिसाब से ये सोचना ही गलत है, और एक अबंडेंस माइंडसेट में रह के हमें कैसे पैसे बनाने हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं उसके बारे में मेरा जो बेसिक लेवल का अभी वेबिनार का प्रोग्राम है वो मैं सिखा रही हूँ लोगों को, और बहुत ही पसंद किया है मैंने। ऑलमोस्ट अबाउट काफी सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 300-400 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर चुकी हूँ इस फील्ड में, और तो उस हिसाब से मेरी कम्युनिटी अपने आप बढ़ रही है। क्योंकि अगर आज आपने किया और आपको पसंद आया तो अपने आप अपने 4 दोस्तों को भी बोलोगे भाई ये कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल और ये बिल्कुल. चीज, हाँ, तो उस हिसाब से ये चीज शुरू हो गई मेरी 1 महीने पहले वेबिनार मॉडल। और उसके अलावा मैं एक 6 AM क्लब भी रन करती हूँ जहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन का करवाती हूँ, क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। इसको मैं अभी तो पूछूंगा मैं एक, आपसे. बेसिकली मेरा हाँ मेरा ये है कि देखिए, अभी का समय जो है बहुत डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन है. लोगों में काफ़ी बिल्कुल, नेगेटिव माइंडसेट है और काफ़ी लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेस में अभी सही से बहुत चल नहीं पा रहा है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत फेडअप हो चुके बिल्कुल, हैं सिचुएशन से. तो उनके लिए आपके पास किन-किन, एक तो 1-to-1 कोचिंग आप करवाती हैं ये मुझे समझ में आया. हाँ सेकंड, आप उनको किस तरह से हेल्प करती हैं या उनको कैसे रिवाइव किया जाए, उनका माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके भी प्रोग्राम्स आपके बिल्कुल, पास हैं मैम? हाँ। तो 1-to-1 कोचिंग्स में मैं दो चीजें एड्रेस करती हूँ। एक तो गोल जो आपका होगा या तो रिलेशनशिप में है या तो करियर में है वो मैं अचीव करवाती हूँ। दूसरा लेवल जो है वो है वेबिनार का। तो मेरा वो स्टार्टिंग बेसिक लेवल है जहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है आराम से, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। और उसकी डिटेल्स, जैसे आपने मुझे पूछा था कि मैम अगर हम लोगों को अभी के लिए डिटेल्स, यू नो, बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए कोई डिटेल डालना हो तो वो कौन सा होगा, तो वो मैंने अबंडेंस वाइब का जो प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो एक काफी इंटरेक्टिव सेशन है और उस वो अबंडेंस के बारे में ही बात करता है स्पेसिफिकली। ओके, तो वहां से जर्नी शुरू होती है। ग्रेट. और मैं अपने व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, दर्शकों को ये बताऊं कि हम एक कॉमन बिजनेस प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रगति बिल्कुल, परिवार. और हाँ जी, प्रगति परिवार बेसिकली एक बिजनेस ग्रुप है जहाँ पे हर बिजनेसमैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. इन बिल्कुल, जनरल जो भी बिजनेस होता है उसमें हर वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है. तो हम मार्केट का सपोर्ट लेते हैं, और मार्केट का सपोर्ट लेते हैं यदि हम किसी क्लब में नहीं जुड़े हैं. और जैसे हम प्रगति परिवार में हम कोई उनके मेंबर हैं, तो वहाँ पे उस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं पे हमारा फुलफिल हो जाता है, और इसके साथ बिल्कुल ही एक दूसरे का हेल्प भी होता है. तो मैं और लीना मैम एक ही प्रगति परिवार से जुड़े हुए हैं. आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि प्रगति परिवार में आके आपको कैसा लग रहा है, और प्रगति परिवार के बारे में आपने सुना कैसे? बिल्कुल। तो मेरी एक बहुत ही खास दोस्त है और वो क्लाइंट भी रहती है इनिशियल स्टेजेस में, और ओके. वो मतलब आपने अंजना सुनेजा का नाम सुना ही होगा जो उत्थान यस विंग में यस है। मुझे यस पता यस है कि प्रगति 2 विंग्स को रन करती है, एक उत्थान विंग और उन्नति, थ्री तो विंग्स हैं अभी. 3 विंग्स है। अच्छा, सॉरी, माय उत्कर्ष. बैड। तीसरी विंग का नाम क्या है? उत्कर्ष। ओके, गॉट इट, यस. थैंक यू सो मच। तो उस हिसाब से वो जो मेरी दोस्त है अंजना सोनेजा, वो उत्थान विंग में है, और जब मैं दिल्ली आई थी अभी फेब्रुअरी में वो मुझे लेकर आई थी वहां पे, और वो चाहती थी कि मैं किसी तरह से जुड़ूं इस परिवार से। एंड जैसे ही उस दिन मैं प्रवीण नारंग जी से मिली, सबसे पहले प्रवीण नारंग वो है जिन्होंने ये प्रगति परिवार शुरू किया है, और उन्होंने 2007 से ये प्रगति परिवार चला रहे हैं, और वो
एनजीओज और गर्ल चाइल्ड के बारे में काफी कुछ काम भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अभी, एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं और सर्व कर रहे हैं। तो वहां से जैसे उनकी जर्नी शुरू हुई तो मैं उनसे बहुत ही रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी जर्नीज में काफी थी और रह चुकी हूँ। तो उस हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना। और जिस दिन मैंने प्रवीण जी से मेरी मुलाकात हुई, मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं इमीडिएटली प्रगति परिवार से जुड़ जाऊंगी, और मेरा एक प्रिविलेज है ये कि मैं यहाँ पर हूँ और इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हूँ। मेरा अपना एक परिवार बन चुका है उसमें, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी मेंबर। मैंने काफी सारे लोगों के साथ वन टू वन किए हुए हैं, मतलब मीटिंग्स किए हुए हैं, और जैसे हम लोग आटो भी बोलते हैं ना मीटिंग्स, बिल्कुल, इन रिलेशनशिप टू सारे बिजनेस। लोगों को मिल। हाँ, और प्रगति रिलेशनशिप टू परिवार बिजनेस। के बारे में मैं क्योंकि पुराना मेंबर हूं तो आपको बताऊं कि हाँ उसमें एक कॉन्सेप्ट है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको R2B बोलते हैं, रिलेशन टू बिजनेस। उसमें हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और वहां से बिजनेस भी स्टार्ट होता है जब रिलेशन हमारी डेवलप हो जाती है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना प्रवीण नारंग सर के बारे में, बेसिकली वो संस्थापक हैं प्रगति परिवार के, और उनका एक बड़ा विजन है। साथ ही साथ वो एनजीओ भी चलाते हैं और इस परिवार को भी चलाते हैं, और एक बहुत बड़ा विजन है उनका कि हमारे देश में बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बने, अंबानी बने, टाटा बने, बिरला बने, नए नए एंटरप्रेन्योर का एक पूरा फौज तैयार कर रहे हैं वो इस प्रगति परिवार के थ्रू। तो वी आर वन ऑफ द पीपल की हम लोग, हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल यस मैम, तो आपको मैम यहाँ पे जैसे आपके जितना मैंने सुना कि आपके प्रोग्राम्स आपने नए नए लॉन्च किए हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और साथ ही साथ किस तरह के लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं आपके साथ? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी का जो समय है वो हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा है, और इस समय में यदि कोई आपके साथ जितना लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनका फायदा होगा। तो हाँ बिल्कुल, आप यदि कोई केस स्टडी बताएं या कोई आपके साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया होगा तो वो जरूर हमसे शेयर करें। जरूर। मैं बिजनेस के बारे में भी बताना चाहूंगी। रिसेंटली एक क्लाइंट है मेरे, ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी हाँ पर मैं ना, सूडो नेम बता सकती नहीं, नाम हूँ। लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से अभी उन्होंने बिजनेस कोचिंग वन टू वन लिया था, और उनका जो गोल था वो इनफैक्ट डेप में थे। उनका एक लोन वगैरह का इशू था और उन्होंने लेके रखा था बिजनेस के लिए, और बिजनेस बढ़ नहीं रहा था। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें सुनी जो अबंडेंस के बारे में है, और वन टू वन कोचिंग में उन्होंने गोल सेटिंग का प्रोग्राम किया, और वो देख लिटरली वो देख पाए कि उनका जो काम करने का, एक बिजनेस करने का जो माइंडसेट है वो था ही नहीं उनका। जो मतलब वो बोलते हैं ना कि बिजनेस में आके लोग, क्योंकि उनको उनके पास कोई मेंटोर करने के लिए नहीं है, उनको कोई ध्यान रखने के लिए नहीं है, कुछ लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वो कंफर्ट जोन से काम करना, या मैं अलग से जाके मैं नेटवर्क करूं अपना, और नेटवर्किंग के जैसे हमारा प्रगति परिवार है, मैंने उनको यहाँ भी जोड़ा हुआ है, आगे उनको बोला हुआ है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे नेटवर्किंग वगैरह जो वो बढ़ा पाए और लोगों को मिल पाए तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, पर वो उन्होंने सही तरीके से नहीं किया था। तो वो सारी चीजें जब हम लोगों ने गोल्स में उनको मैंने डिफाइन किया और उनको गाइड किया हर एक चीज के बारे में, तो वो बहुत ही इंस्पायर हो पाए और उनका बिजनेस ऑलमोस्ट अभी उनका डेप्थ तो सारा क्लियर हो चुका है, और अभी वो अपना बिजनेस के भी स्टेप्स बांध रहे हैं, और उनका ऑलमोस्ट 50 लाख के ऊपर टर्नओवर भी हो गया है एक बार। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स आते हैं मेरे पास। मैं दो चीजों में स्पेशलाइज करती हूँ, जैसे मैंने कहा, एक तो है रिलेशनशिप और एक बिजनेस, बिजनेस बिल्कुल, यानी कि मन। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड जो मैंने आपको 6 AM के बारे में मैं बोल रही थी आपको, एक यू नो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंसी डालते नहीं है, और मतलब कंसिस्टेंसी की हैबिट नहीं डालते हैं लाइफ में, तो वो हैबिट हमारी गाइड को लाइफ
हमारी लाइफ को गाइड कर सकती है बहुत अच्छे से। क्योंकि जब मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व होना था तो मैंने खुद भी एक 5 AM क्लब के साथ जुड़ के अपनी अपनी एक कंसिस्टेंसी लेवल शुरू की। तो हमारी एनर्जीज में, हमारी वाइब्रेशन में, हम जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसमें हर चीज में फर्क पड़ जाता है और बिल्कुल। हम एक और कंसिस्टेंट। ये कहा भी गया है कि संगति से गुणात है, संगत से गुण जात। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जिस तरह के संगत में रहते हो उस तरह के बन जाते हो। इवन कि एक बिल्कुल फेमस बिल्कुल ऑथर ने भी बोला था कि टेल मी योर 5 फ्रेंड्स और आई विल टेल यू योर फ्यूचर। तो ट्रू यदि ट्रू आपके ट्रू संगत वाले का नाम किस संगत में रहते हो उससे आपका डेस्टिनी पता चलता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल चीजें तो है। एक चीज और भी खास तौर से पूछना चाहूंगा मैम, आपने बुक्स भी लिखे हैं, तो हाँ उस बुक्स में आप वो बुक है किस तरह का और उससे किस तरह से लोगों को फायदा हो सकता है और बुक का नाम क्या है प्लीज इसको, और कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप आप बुक्स के बारे में पहले बताइए। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी अबाउट दिस। इनफैक्ट मेरी बुक का नाम है द रिलेशनशिप कोड फॉर एवरीथिंग, और उसमें भी मैंने गिवर्स रहने के बारे में बात किया है, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए, ग्रैटिट्यूड, इनकैंटेशंस यानी कि एफर्मेशंस, और विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और प्रेजेंट इन द मोमेंट, वो सारी चीजें जनरेट होती हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही मतलब ग्रोथ लेवल्स जो एक इंडिविजुअल के हैं और उसका जो लिमिटेड माइंडसेट है, वहां से वो लोग बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो इसके बारे में ही मैंने लिखा है। मैं खुद भी ऐसे ही लिमिटेड माइंडसेट में थी और मैंने वहां से ग्रो किया है। तो उस हिसाब से मैं अपनी जर्नी मैंने शेयर करी है एक यूनिक वे में, और कुछ प्रैक्टिसेस बताई हैं वो तो। देखिए क्योंकि मैम ये सिनर्जी टॉक है और सिनर्जी का जहाँ तक मुझे पता है कि तालमेल बैठाना। तो बिल्कुल आपको जो भी बताना है आप खुल के बता। बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। क्या आप थैंक यू सो प्लीज मच फॉर इसके बारे आस्किंग। में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल हो बिजनेस में या जो भी है, गिव अप मत करना। हम लोग हम ह्यूमन बीइंग्स की एक आदत है कि हम लोग हॉप स्किप एंड जंप करते रहते हैं और फिर हम लोग कहीं सेटल नहीं हो पाते हैं। वो चीजें, वो सब सारी गलतियां मैं कर चुकी हूँ, और उन चीजों से निकल के मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू समझ में आ रहा है हर चीज का, कि एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना, उसको ट्रस्ट बिल्ड करना, और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ के जुड़ी हुई है। तो अगर कोई स्टार्टअप वाले हैं, इन लोगों को ये सारी चीजें समझना और उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक वो खुद को समझ में नहीं, आप खुद को समझ नहीं पाएंगे, तब तक वो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है उनके लिए जानना, और कोचिंग इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट दिस, इज व्हाट आई कैन रेकमेंड पर्सनली। क्योंकि मैं मतलब जब हम लोग वो बोलते हैं ना, धक्का खा के कुछ लोग आसानी से, फिर हम लोगों को उसकी वैल्यू पता चल जाती है, और तब हम लोग उसको ट्रेजर करके जो चीज लेते हैं, वो चीज की वैल्यू, मतलब वो मिठाई की स्वाद ही अलग, मिठास की स्वाद ही अलग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो अपना स्वेट और ब्लड थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और फिर हम लोग एक इजी जर्नी भी स्केच कर पाएंगे अपने लिए। पर होता क्या है, ये कोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मैं टू द टी फॉलो करती हूँ, जिस दिन से मैंने ये सुना था अपने मैनेजर से। मुझे मतलब हिंदी में तो पता नहीं ट्रांसलेट कर पाऊंगी या हाँ नहीं, पर बिल्कुल आप मुझे बताओ इसकी, मैं करने की कोशिश करता हूँ। हाँ कर पाऊंगी, बट अभी के लिए वो है कि गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। यस 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 तो ये चीज जो है,
उनकी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑनगोइंगली उनको वो लेसन सीख सीख के, एक एक लेसन सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पर अगर वो ऐसे हैं जो ऑलरेडी वो लोग सीख के फिर इम्प्लीमेंट कर पाए तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो फ्रेज आपने बोला है, मुझे जहाँ तक समझ में आई कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सपोज आपने प्रिपरेशन, सपोज विराट कोहली हैं हमेशा, जब भी ऐसे विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया है और इस तरह के ग्रेट्स हैं, और वो हमेशा जब भी उनसे देखो कोई भी इंटरेक्शन होती है तो वो हमेशा बोलते हैं कि प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस यदि अच्छा है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। तो मैम का कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई आइडिया लेके आते हो तो आइडिया से आपको सक्सेस नहीं मिलता, उस आइडिया के पीछे आपकी क्या प्रिपरेशन है, किस तरह की तैयारी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टार्टअप में क्या है कि नए एंटरप्रेन्योर सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया है, सबके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है, लेकिन उस सॉल्यूशन को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं, वो जब हम ऐसे कोच के पास पहुंचते हैं, लीना मैम के पास पहुंचते हैं, तब एम आई राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। ओके और जरूरी नहीं है कि वो मेरे पास ही आए, वो कहीं भी सीखे, पर सीखे बिल्कुल वो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और एक एक सेशन मैंने भी अटेंड किया है मैम के साथ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि बहुत ऐसे लाइफ कोच होते हैं या इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको मतलब खाली ज्ञान देंगे, मतलब स्पीकर हैं, बहुत सारा बातें आपको बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं बताते जा रहे हैं, आप उसमें मोटिवेट भी हो जाओगे बहुत कम समय के लिए, यानी कल के दिन आपका मोटिवेशन फुल रहेगा, परसों वो कम होता जाएगा। लेकिन एक सेशन जब मैंने आपका अटेंड किया तो मुझे पता चला कि आप ज़्यादा ज्ञान ना देके आप हर किसी के लाइफ कोच, ये मुझे जानना है। अपने पूरे दिन रात एक कर दी थी ये चीजें सीखने में, और एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी जगहों में जाके मैंने अपने आप को इन चीजों में ट्रेन किया है। और मुझे लगता है कि लाइफ कोचिंग एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर वो ही होगा जो हम लोग खुद को दे पाए। आंसर से सेटिस्फाइड होंगे ना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यस यस। तो वो चीज मैं चाहती हूँ लोग मुझसे सीख के जाएं, और इसी हिसाब से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ और इंटरैक्टिव सेशन बनाती हूँ जहाँ पे उनको मैं लिटरली, आपने देखा था स्क्रीन पे कि मैंने कैसे क्वेश्चंस डाले थे और इंटरेक्ट कर रही थी, राइट? तो ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाता है। अच्छा, यदि 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ही आप एक डेमो देना चाहो तो आप बिल्कुल किस तरह से, या किस तरह से आप बताते हो ये ही समझाना, एक ब्रीफ मिल जाएगा। आई थिंक कि थोड़ी सी एक ट्रेलर हो जाए तो मे बी लोग। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगी पहले तो सॉल्व करने हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके रूट में जाना पड़ता है, हमें हमें पूछना पड़ता है कि वो थॉट कहाँ से मिला। बिल्कुल। तो वो चीज जो हम लोग निकालते हैं ना, मतलब उनको जो समझ में आता है उसके बाद, वो चीज अलग ही होती है कि हाँ ये तो मैंने अब खुद किया था क्रिएट। अगर कोई लिमिटेड थिंकिंग वाली है, यानी कि एक मेरे जो मैंने आपको जो क्लाइंट के बारे में बताया था 1-to-1 कोचिंग, तो उनको ऐसे लगता था कि उनके लिए वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस नहीं दे पाते हैं। मैंने बोला जरूर आप नहीं दे पाते हो बेस्ट सर्विस, ये किसने बोला? तो उन्होंने बोला मैंने बोला। तो मैंने बोला बस
आप ही ने बोल दिया और आप ही ने रियलिटी क्रिएट कर दी. अब करो क्या करना है, 5 स्टार सर्विस देने के लिए अपने क्लाइंट को. तो उस हिसाब से देन ही स्टार्टेड वो क्वेश्चन करने लगे अपने आप को कि हाँ, तो फिर मैं ये ऐसी वाली सर्विस देने के लिए, व्हाइट ग्लव सर्विस देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. बिल्कुल तो ये सारी क्वेश्चन जब हमारे दिमाग में खुद प्रोब करेगा ना वो कोच, तो फिर वो काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स निकलते हैं उसके. तो यानी उस हिसाब आपने से आपने जस्ट ये उनके अंदर से ही वो सारी चीजें निकाल ली जिससे वो बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम बहुत जो सामने वाले बोलते हैं ना उसका लिसनिंग कैपेसिटी कुछ लोगों का जब कम होता है, या फिर वैसे ही हम लोग सामने वाले जब बोलते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कम हो पाता है, पर हमारे अंदर से जो आवाज आती है और हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रहता यस अच्छा एक चीज और भी पूछना चाहूंगा आपसे है. कि हाँ जी. ये चीजें तो है आप अंदर से निकाल लेते हो, रिचुअल के बारे में आपका क्या सोचना है कि सपोज मैं रिचुअल इन द सेंस ऑफ रिलीजन नहीं पूछ रहा हूँ, रिचुअल इन द सेंस कि एक बंदे के सक्सेस होने में रिचुअल क्या रोल प्ले करता है कि रिचुअल यानी कि मैंने जो ग्रेटिट्यूड बोल वो सारे हैबिट्स बताए थे वो. हाँ रिचुअल इन द सेंस कि वो उसकी जो आदतें हैं उसका जो मतलब दिन का एक रूटीन है वो किस तरह से होने पे वो सही डायरेक्शन में जा रहा है उसको पता चलेगा। बिल्कुल. तो सपोज बहुत अब सारे लोग सब ऐसे हैं कि जो सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, और पहले तो एक चीज होता है कि मैंने प्लान बनाया कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद योगा करना है, मेडिटेशन करना है और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में आना है, ऑफिस जॉब जो भी है। तो अब क्या होगा कि वो सुबह उठ नहीं पाया तो बंदा पहले रिग्रेट में आ गया कि अरे मुझे बिल्कुल. उठना था, और खुद को ही कोस रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें रोकती है, एक अच्छा रिचुअल हेल्प भी करेगी तो एक जब बुरा होगा उसमें तो वो रोकेगा भी, मुझे जहां तक पता है। मैन यू नो क्रिएशन ऑफ हैबिट, हम लोग जिस तरह की आदत फॉलो करेंगे वही हम बन जाएंगे. यस तो ये यस तो एक बेसिक फाउंडेशन है. और आप अगर देखेंगे आज की तारीख में, तो वर्ल्ड के सारे बेस्ट सीईओ जो हैं उनकी सारी सबके अपनी अपनी आदतें हैं. वो लोग सबसे पहले उठ के यू नो अपनी अपनी लाइक वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ की ये रिसर्च है कि वो अपनी ब्लैंकेट भी खुद फोल्ड करते हैं. तो बिल्कुल ये एक ऐसी, मतलब ये तो सिंपल सी बात है ना, लाइक इट इज नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर उतना भी काउंट करता है. तो हर चीज काउंट करती है जो हमारे पूरे दिन में हम लोग करते हैं. और वो लोग उस मुकाम तक तभी पहुंच पाए हैं जब उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया ऐसे, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए. तो ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ही जरूरी हैं. जैसे मैंने कहा कि मैन इज द क्रिएशन ऑफ हैबिट्स, तो अगर मैं एक ग्रैटिट्यूड, समझ लो ग्रैटिट्यूड इज लाइक थैंकफुलनेस, राइट? तो यस मैं अगर किसी का शुक्रिया अदा यू नो करना सीख जाऊंगी, और हर रोज हर बार मैं उनको बोलती रहूंगी कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस, तो हम लोग अपने आप में ग्रेटिट्यूड जोन में आ जाते हैं. वरना हम लोग कंप्लेनिंग जोन में रह जाते हैं, जहां पे हम लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं लोगों से. लाइक कुछ ना कुछ कंप्लेन आता है हमारे दिमाग में. दैट इज द डिफॉल्ट वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग. तो यस 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 ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और काफी सारी कोचिंग में चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं और उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है लाइफ में. तो वो जरूर एक सोचने का, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव थिंकिंग डायरेक्टली नहीं आ सकता. पानी डालना पड़ता है, सनलाइट देना पड़ता है हर रोज. तो हमें भी उस प्लांट को, उस गुड हैबिट्स के प्लांट को बढ़ाना है और बहुत अच्छे से उसको संवारना है, और तभी हमारी जिंदगी संवार पाएंगे हम. बिल्कुल बिल्कुल तो जहां तक मुझे एक बार और भी आप 6 AM क्लब्स के बारे में जरूर बताएं, और ये क्वेश्चन रेज करने का यही मतलब था कि इस प्रोग्राम्स के बारे में किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं और क्या मॉड्यूल है।
6 AM का जो बिल्कुल। प्रोग्राम है। हाँ तो 6 AM में हम लोग कुछ चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड है, गोल्स है, और थोड़ा बहुत एक मैनिफेस्टिंग की एक बुक है जो हम लोग स्पेसिफिकली एक चैप्टर हर रोज पढ़ते हैं, और हमारा जो फोकस है उसको डाइवर्ट नहीं होने देते। तो मैं ये ऑलमोस्ट 1 महीने से रन कर रही हूँ कंसिस्टेंटली, और स्पेशली एक लेडी को, उनको एक प्रेसिडेंट बनाया गया एक क्लब का, तो एक लाइक अ प्रमोशन उनको हो गया अपने ही लेवल पे। वो खुद ग्रेट बिजनेस मैन, ग्रेट, बिजनेस वुमेन ही है, तो उनको एक विद इन अ ग्रांट मंथ, मिल के बना विद इन अ मंथ, विद इन अ ग्रेट। मंथ। तो वो इतनी खुश थी शेयर करके कि लीना आई कांट इवन बिलीव दिस इज हैपनिंग टू मी। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ ह्यूमन बीइंग, न्यू अपॉर्चुनिटी लाइफ ऑल टुगेदर इज वॉट यू विल हैव, एंड वॉट वी आर डूइंग ओवर देयर इज दिस, वी आर प्रोग्रामिंग द माइंड सेट टू गेट टू दैट लेवल। यस सो इट यस इज वेरी यस इंपॉर्टेंट टू फॉलो सर्टेन हैबिट्स। ग्रेट। और जब 1 महीने में आपको इस तरह का रिजल्ट आता है तो आप तो काफी एक्साइटेड होंगे कि इसको और बिल्कुल, बड़े ये तो लेवल पे, बहुत और एक्साइटमेंट, खास इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू स्टैंड फॉर पीपल टू गेट देयर लाइफ। यस यस। और इस प्रोग्राम्स में किस तरह से जुड़ना है, और तो उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। एपिटोम को डाला हुआ है मैम। और भी आप कुछ बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की भी नहीं है, हमारी खुद की है, हमारे रिजल्ट के बारे में यस और हमारी लाइफ के बारे में। अगर हम सही रास्ते पे सही लोगों के साथ जुड़े हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम खुद ले सकते हैं। अगर हम बोलना बहुत आसान है कि हम लोग वो एक वाइल्ड जिंदगी जीना चाहते हैं जहाँ हम जंगलों में घूमें, घूमने ऐश करें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर उतना वाइल्ड होके करना क्या है? उससे अच्छा है थोड़ा सा डिसिप्लिन डाल दो, थोड़ा सा हैबिट्स के लिए अपने आप को प्रैक्टिस करो। वो चीज जब हम लोग डालेंगे ना तो उसकी मिठास कुछ और ही है, उसकी उसका सेलिब्रेशन कुछ। सकते हैं नए लोगों में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ बड़ा विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस समय देश को काफी सारे एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट भी है, या जो जॉब्स में हैं वो भी काफी आगे बढ़े अपने गोल्स को अचीव करने। तो मैम हेल्प कर रही हैं, मैम रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो ये अभी बहुत बड़ी बड़प्पन है, और जितना ज्यादा हो सके लोग तो अभी तो वर्चुअल है, आपके फैन फॉलोइंग बढ़ भी जाएंगे इधर नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद क्या फिजिकल बिल्कुल फिजिकल आप प्रोग्राम्स करोगे? हाँ, फिलहाल लॉकडाउन है, पर अगर जिंदगी ने मुझे मौका दिया तो जरूर मैं ट्रैवल भी करूंगी और प्रोग्राम यही है कि जैसे हमें खाना चाहिए होता है ना, इसी तरह से हमें माइंड के लिए, हमारे माइंड को भी खाना चाहिए होता है, वरना वो हमारे माइंड के जो सॉइल में है ना बीज रुक जाते हैं, तो यस उन बीज को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भगवत गीता में भी कृष्णा ने और सीड्स मैं ही बोलूंगी सर कि प्रगति परिवार इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल परिवार
देम बीइंग हियर, लाइक इट्स अ ट्रेजर एंड इट्स अ प्लेजर. ग्रेट, आपसे बहुत सारे लोगों को हम फायदा भी होगा, बहुत सारे लोग ग्रो भी करेंगे, इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा हमारे ग्रुप में। आई थिंक फ्रीज्ड। हाँ अभी आ रही. मैं ये बोल रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, बहुत सारे लोग ग्रो भी करेंगे आपके सपोर्ट से, तो लुकिंग फॉरवर्ड। एंड थैंक यू सो मच. मैंने ये टास्क चुना है कि मैं लोगों को वैल्यू दे पाऊँ, तो मेरी तरफ से जो भी बेस्ट बन पाएगा मैं जरूर करूंगी. और नॉर्मली इस प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, ये सिनर्जी टॉक किस तरह का लगा आपको यहाँ पे बातें करके? बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है. मतलब मेरा खुद मुझे खुद को एक इंक्लूजन आया था 2 दिन पहले कि प्रगति परिवार की तरफ से हम लोगों को ये लाइव करना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए. तो मैंने खुद ही ये प्लान किया था कि हाँ ठीक है मैं जरूर बात करूंगी, और आप खुद ही मेरे पास आ गए कि मैम ये शुरू कर देते हैं. तो इट इज अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, क्योंकि आजकल तो सब कुछ वैसे भी डिजिटल है, और जब लोगों को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और नए कनेक्शंस ऐड ऑन करने को मिलेगा और कम्युनिटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं, एक रेवेन्यू सिस्टम बढ़ेगा पूरा, गवर्नमेंट का भी, पूरे सॉरी पूरे देश को कंट्रीब्यूशन होगा वो. तो बिल्कुल बिल्कुल, 5 ट्रिलियन का प्रवीण जी इज इकोनॉमिक तो बढ़ ही जाएगा। प्रवीण जी इज द बेस्ट पर्सन टू डू दैट. उन्होंने काफी करी है मैंने सुना है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू बी एसोसिएटेड विद आई कैन से. यस यस, तो ऐसे ही सिनर्जी टॉक में हम नए नए एंटरप्रेन्योर को लाते रहेंगे और उस और कैसे इस समाज को डेवलप करने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका ओके नज़रिया हम सुनते रहेंगे आज के इस